अब चाइनीज सामान बेचने वालों को भुगतने होंगे गंभीर परिणाम। गलवान बॉर्डर पर शहीद हुए भारतीय सेना के जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित करने के बाद विश्व हिंदू सेना अब चाइना के खिलाफ मुखर हो गई है। विश्व हिंदू सेना ने रोष जताते हुए एक पोस्टर जारी किया है, जिसका उद्देश्य चाइना को आर्थिक रूप से कमजोर करने का है। वाराणसी शहर के बाजारों में चस्पा किए गए पोस्टर में चेतावनी दी गई है कि चाइना आयातित सामानों की बिक्री तत्काल बंद की जाए, वरना इसके गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। इसके लिए 48 घंटे की मोहलत भी दी गई है। इस मुद्दे पर विश्व हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अरुण पाठक से संपर्क करने पर उन्होंने बताया कि चाइना ने विभिन्न मुद्दों पर विश्व स्तर पर भारत का विरोध ही किया है, चाहे वो मसूद अजहर को अंतर्राष्ट्रीय अपराधी घोषित करने का मामला रहा हो या भारत के खिलाफ ISI को सपोर्ट करने का मामला हो। चाइना का सामान तो शुरू से ही जो है नहीं इस्तेमाल करना चाहिए था, इससे चाइना का मनोबल और बढ़ गया। आज हम लोग जागे हैं कि हमारे 20 सैनिक मर गए, हम लोग और जाग गए कि सामान का बहिष्कार कर रहे हैं। इसका बहिष्कार तो शुरू से पोस्टर को किस रूप में आते थे? सब इसी रूप में देख रहे हैं कि आज ये जागे हैं, जागना तो पहले चाहिए था। चाइना के सामानों का जो है बहिष्कार शुरू से करना चाहिए था। तो चाइना ने महामारी फैलाई, उसके विरोध में पोस्टर नहीं निकला, आज 20 सैनिक मर गए, उसके विरोध में पोस्टर निकाल रहे हैं, चाइना के सामान का विरोध कर रहे हैं। इतने साल तक क्यों नहीं विरोध किया गया? पहले ही विरोध करना चाहिए था। आज ये दशा नहीं होती, हमारे 20 सैनिक नहीं मरते, चाइना का ऐसा मनोबल नहीं बढ़ता। चाइना ने UN में अस्थायी सदस्यता के मामले में भारत का विरोध किया। चाइना ने पाकिस्तान को हमेशा सपोर्ट कर आतंकवाद को बढ़ावा दिया है, जिसे भारत के खिलाफ इस्तेमाल किया जाता है। चाइना ने छल से 1962 में धोखे से हमला किया, 1967 में हमला किया और मुंह की खाई। चाहे चाइना पाकिस्तान कॉरिडोर का मामला हो या डोकलाम हो, हिमाचल प्रदेश हो या हिमालय, चाइना सिर्फ भारत को ही डिस्टर्ब नहीं करता, बल्कि चाइना हांगकांग, ताइवान और तिब्बत में वर्षों से नागरिकों पर अत्याचार करके यह साबित कर दिया है कि चाइना सिर्फ हिंदुस्तान का विरोधी नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का दुश्मन है। इतना ही नहीं, कोरोना वायरस जैसी महामारी को पूरे विश्व में फैलाकर लाखों लोगों की जान ले ली है और करोड़ों लोगों की जान अभी भी फंसी हुई है। ऐसी मानवता विरोधी राष्ट्र का व्यवहारिक अव्यवहारिक विरोध होना चाहिए और भारत को चाइना पर हमला करके जितनी भी जमीन चाइना ने कब्जा की है उसे वापस लेनी चाहिए। चाइना कई दशकों से हमारे साथ निरंतर धूर्त हरकतें करता आ रहा है। 1962 में धोखे से उन लोगों ने हमला किया और धोखे से हमारे बहुत से ज़मीनों को कब्जा कर लिया। 1967 में वो आए, उनको मुंह की खानी पड़ी, लेकिन उनका प्रयास जारी रहा। कभी डोकलाम में, अभी ताज़ा घटना, हमारे 20 जवानों को धोखे से इन लोगों ने, निहत्थे जवानों को मार दिया। हमारे एक कर्नल को भी, बिहार रेजिमेंट को शहीद किया। इतना ही नहीं, कोरोना के माध्यम से पूरे विश्व में लाखों लोग मारे गए, करोड़ों लोग इससे पीड़ित होकर अस्पतालों में भटक रहे हैं। पूरे विश्व में त्राहिमाम मचा हुआ है। इतना बड़ा हरकत करने के बाद एक तरफ ये कोरोना के माध्यम से विष फैला के करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में मारने का षड्यंत्र करके विश्व की सर्वोच्च पावर बनने का प्रयास कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये हमारे सीमाओं को आज़ादी के बाद से निरंतर जो है डिस्टर्ब कर रहे हैं। कभी अरुणाचल प्रदेश को डिस्टर्ब करके कभी हमारे सीमा में घुस जाएंगे, 200 किलोमीटर, 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, ये निरंतर करते आ रहे हैं। और ये ताज़ा जो हमला हुआ है, इससे पूरा देश आक्रोशित है। हमारे 20 जवान, निहत्थे जवानों के ऊपर जिनका कोई अपराध नहीं था,
उनके ऊपर इन लोगों ने भारी संख्या में हमला करके राड डंडा लाठियों से प्रहार करके और उनको निर्ममता से मारा है। और इसका बदला हिंदुस्तान की सेना इनसे लेने में सक्षम है, वो तो लेगी ही, लेकिन पूरे देश में जो इनका चाइनीज सामान है वो बिक रहा है, इससे इनको बहुत लाभ होता था। इन सामानों को विश्व हिंदू सेना यहाँ बिकने नहीं देगी, इसलिए हम लोगों ने चेतावनी जारी किया है कि जितने भी दुकानदार हैं वो चंद सिक्कों के लालच में अपने देश के जवानों की शहादत को न भुलाएं, तत्काल उन सामग्रियों को अपने यहाँ से हटा दें, अन्यथा इसके गंभीर परिणाम होंगे। इसलिए पोस्टर जारी हुआ है। और मैं बता देता हूँ, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को कि वो अब ये समझ लें कि ये नेहरू का देश नहीं है, ये उनका शासन नहीं है, ये आधुनिक भारत है, 2020 का भारत है, और इसके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं और राष्ट्रपति भी हमारे बहुत मजबूत हैं और हमारे रक्षा मंत्री भी बहुत मजबूत हैं और हमारे विदेश मंत्री भी बहुत मजबूत हैं। और इस समय हमारा एक इंच ज़मीन लेना तो छोड़ दो, तुमने जो हमारे 20 जवानों को शहीद किया है इसका भी हिसाब होगा। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री जी ने कहा है, हम पूरे देशवासियों को विश्वास है, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री जी बदला लेंगे, हमारी देश की सेना बदला लेगी, ये उनका कर्तव्य है, लेकिन चाइनीज सामानों का बहिष्कार करना ये हम देशवासियों का कर्तव्य है, इसलिए पोस्टर जारी हुआ है। जब तक भारत चाइना से एक एक इंच जमीन का हिसाब नहीं ले लेता, तब तक चाइना और उसके सामानों का बहिष्कार ही होगा। हमें सेना के शौर्य पर भरोसा है। भारत देश के सभी हिंदुओं से अनुरोध है कि चाइना के सामानों का बहिष्कार करके वीर शहीदों को सच्ची श्रद्धांजलि दी जाए। इसलिए यह पोस्टर जारी कर व्यवसायियों को चेतावनी दी गई है कि धन के लालच में आकर राष्ट्रहित की भावनाओं से खिलवाड़ न करें। रिपोर्टर्स पेज की खास रिपोर्ट।